देखिए राजस्थान में इस बार परिस्थिति अलग है, हर बार यहाँ बदलाव होता है, लेकिन इस बार जो मैं देख रहा हूँ रिस्पांस जो है लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, वो कांग्रेस के पक्ष में है और लोग चाहते हैं कि यहाँ सरकार दोबारा बने। और जो बीजेपी सरकार दिल्ली में भी है उसका कार्यकाल लोग देख चुके, लगभग 10 साल हो गए, तो विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं केंद्र में भी। और मुझे लगता है कि इस बार न सिर्फ राजस्थान में लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, हर जगह कांग्रेस पार्टी का शासन बनने जा रहा है। लेकिन वहाँ तो क्या है, लोग सच में बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रुझान है शहर के और ग्रामीण सब जगह। और मैं जिस महाकौशल वाली बेल्ट में गया था मैं कल जबलपुर में, तो वहाँ पर लोग पहले मन बना चुके हैं कि कांग्रेस को जिताना है। अब देखना है कि हमें कितना बहुमत मिलता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में बहुत लंबा कार्यकाल भाजपा का हो गया, लोग बदलाव चाहते हैं और हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो गारंटीज हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। सर लेकिन और कानून व्यवस्था, देखिए राजस्थान में हम लोगों ने FIR रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है, मतलब हम छुपा नहीं रहे किसी बात को। अगर कुछ दुर्घटना होती है या शोषण कहीं होता है, महिलाओं से अत्याचार होता है, तो उस पर तुरंत एक्शन हम लोग ले रहे हैं। अब बाकी आप मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को तुलना करेंगे तो राज्यों में स्थिति स्टेट गवर्नमेंट का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन राजस्थान में जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है तुरंत कार्रवाई हम लोगों ने करी है। कई जगहों पे लोग छुपाते हैं आंकड़े कम दिखाने के लिए, FIR रजिस्टर नहीं होती हैं, पुलिस मामले को दबा देती है, UP में कई बार हमने देखा है, लेकिन राजस्थान में सच्चाई सामने आ रही है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है पूरे प्रदेश के। अब फोटो का साइज छोटा है बड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं समझता हूँ राजनीति में लोगों को जनता के बीच में उनके दिलों दिमाग में भी जगह बनानी चाहिए, और जो कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता पब्लिक के माइंड में, उनके दिमाग और दिल में जगह बनाता है वो परमानेंट है। बाकी पोस्टर तो आज इसके हैं कल उसके बदलते रहते हैं, लेकिन पब्लिक के साथ जुड़ाव रहे, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहे, एक भावनात्मक जुड़ाव रहता है तो वो एक लंबे समय तक रहता है। बाकी पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ रही है, कोई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी में किसी के साथ कोई मतभेद मनभेद नहीं है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे। देखो मुझे तो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने कहा 5-6 महीने पहले कि जो कुछ भी हुआ, जैसे पिछले साल जो हमारी CLP की मीटिंग नहीं हो पाई थी, बगावत इतने से हो गई थी, फिर पार्टी ने कुछ एक्शन भी लिया उसके ऊपर, मुझे कहा कि उसको माफ़ करो, भूलो और आगे बढ़ो। तो मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ, क्योंकि आज देश की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो। कांग्रेस कैसे मजबूत होगी जब स्टेट्स में सरकारें बनाएंगी, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो एज कांग्रेस वर्कर हमारी जिम्मेदारी है कि सब बातें भूलकर एकजुटता से आगे बढ़ना है, और किसको क्या पद मिलता है नहीं मिलता वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन पहली आवश्यकता है हम कैसे बहुमत के पास जाएं, आप सरकार यहाँ पे बनाएं तीनों चारों स्टेट्स में, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। पिछली बार देखिए जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अल्टीमेटली कांग्रेस लीडरशिप करती है, हम अपनी राय देते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन सर्वे होते हैं, रिपोर्ट्स जाती हैं, फीडबैक मिलता है, उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। मैं हमेशा पक्षधार रहा हूँ कि नौजवानों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, नौजवानों का ये देश प्रदेश है, उनको अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूँ सही नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो पार्टी का निर्णय है, जिसको टिकट दिया है वो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है, अब हम सबको मिलकर उसको जिताना है। और कांग्रेस में तो बहुत एकाध कई जगह मनपता होगा, लेकिन भाजपा में जो बिखरा हुआ है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो जग जाहिर है, इसलिए लोग तुलना करते हैं कि कौन सा संगठन कैसे डील कर रहा है। कांग्रेस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बाय एंड लार्ज संतोषजनक रहा, कोई बहुत ज़्यादा मतभेद किसी के नहीं है। अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, देखो वो पार्टी का निर्णय होता है किसको टिकट देना है नहीं देना, आपने कहा कि महेश जोशी जी को नहीं दिया, धारीवाल जी को दिया, ये पार्टी का अंडर एनालिसिस है। और जो फीडबैक हमसे मांगा गया, मैं तो यही कहा कि भाई हमें पार्टी में सरकार बनानी है, और जैसा मैंने कहा राहुल जी ने कहा भाई माफ़ करो और भूलो आगे बढ़ो, उस थीम को लेकर मैंने काम किया। अब एंड में पार्टी ने टिकट दिया नहीं दिया ये निर्णय AICC का है, ये सब हम लोगों की सिर्फ फीडबैक होता है, निर्णय पार्टी का होता है। मुख्यमंत्री चुनाव तो हम पार्टी के दम पर लड़ते हैं, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये परंपरा कांग्रेस में हर प्रदेश में है और दशकों से है कि पहले हम चुनाव लड़ते हैं, बहुमत आता है, फिर विधायक सब बैठते हैं, चर्चा करते हैं, एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता है, फिर लीडरशिप तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। 2018 में मैं जब अध्यक्ष था हम लोगों ने यही किया, हम जीत के आए, हम लोगों ने मीटिंग करी विधायकों ने और राहुल जी पे छोड़ दिया निर्णय। इस बार भी हम सब मीटिंग करेंगे और जो निर्णय पार्टी लेगी वो सबको मान्य होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ किसी एक या दो या चार व्यक्तियों की बात है, तो पार्टी की बात है, पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी की चुनाव रणनीति, पार्टी का मौजूद कार्यकर्ताओं की ताकत पर हम सरकार बनाएं, उसके बाद कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा ये निर्णय पार्टी का रहेगा। अच्छा वही करता है, और ये मध्य प्रदेश में भी होगा, ये छत्तीसगढ़ में भी होगा, ये राजस्थान में भी होगा, ये कोई नई नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, देश भर में हर राज्य में पार्टी की यही एक ट्रेडिशन, परंपरा और एक कन्वेंशन बना हुआ है। चलिए
काफी सवाल है गवर्नमेंट के। 2018 में जो हमने मैनिफेस्टो बनाया था उनको इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा हम लोगों को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, अग्निवीर लेकर आ गए, किसानों के खिलाफ कानून बनाए, कृषि कानून बनाए गलत, लोग त्रस्त हैं। राजस्थान में हम लोगों ने अच्छा काम किया, सरकार और पार्टी ने मिलकर एकजुटता दिखाई है, उसका लाभ हमको मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा बड़ा बहुमत देकर हम लोग जीत कर जाएंगे। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना, 96% जो एक्शन ईडी का रहा है वो हमेशा विपक्ष के लोगों पर रहा है। चुनाव शुरू होता नहीं कि एजेंसीज अपने काम में आ जाती हैं, कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई स्टेटमेंट, कोई स्पष्टीकरण नहीं है, सिर्फ भयभीत करने के लिए, लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो। जनता सब समझती है, ये एजेंसीज भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक इन सब बातों का जवाब देगी।